कोई आएगा, क्योंकि मैं जिस रूम में रहती हूँ तो वहाँ आते जाते रहते लोग सामने। देखो बोला था ना। तू फ्रेंड आई देख रही है, मम्मा ब्लॉग बना रही है। ब्लिंची आ जा। अभी मैं लेटी हूँ बिस्तर पे और ये नाई का टेबल और ये नाई आने वाली है। पापा से गुस्सा हो रही है, अपने ये फेंक दिए बुक और टेबल भी फेंक दी थी। पापा का पानी रखा था तो पी लिया था, लास्ट का बच्चा था वो भी फेंक दिया था। और वो नाई अभी बोल रही मेरे लिए कुछ भी नहीं लाए पापा। तो मैं अभी कैमरा ऑन किया हुआ, तो कैमरा ऑन में अभी पापा आएंगे या कोई ना कोई आएगा, क्योंकि मैं जिस रूम में रहती हूँ तो वहाँ आते जाते रहते लोग, मैं नहीं होती हूँ। अगर मैं दूसरे रूम में आऊँगी तो वहाँ पे पापा आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे। लाइव आने वाली है, साइकिल रखी है नाई के सामने। देखो बोला था ना। जूड़ा पहन के ये देखिए शंकर जी का जूड़ा। ये कह रहे हैं किससे बात कर रही है, बना रही है ब्लॉग। देखिए अब नाई आने वाली है, क्योंकि नाई ना आज है मेरा बर्थडे तो सेलिब्रेशन नहीं कर रहे, रात में बस केक काटा था। और आज शायद कहीं जाएंगे तो ठीक है, बर्थडे मनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, क्योंकि मैं थक गई हूँ सबके बर्थडे मना मना के डेकोरेशन कर करके। ये आई है प्रिंसी और नाई ने थोड़ा सा पानी यहाँ गिरा दिया था। तो ये आ गई है मेरी नॉटी बेटी और ये कहती है मैं लिपस्टिक और बाल खोल के रखूँगी, लिपस्टिक छुटाऊँगी नहीं, किसी को पप्पी भी नहीं देती है लिपस्टिक से। और मम्मी का बर्थडे और इसने तो इधर को जाओ, जरा मैं लुक दिखा दूँ तेरा पिट्टू का। ये लाइट चली गई है, इसको बोल रहे आप। तो फ्रेंड नाई देख रही है, मम्मा ब्लॉग बना रही है। क्या कर रही है? तो नहीं मुझे देख रही, मैं लेटे लेटे ब्लॉग बना रही हूँ या लेटी हुई हूँ बेड पे। और मैं इस साइड उल्टा लेटती हूँ क्योंकि मुझे उल्टा अच्छा लगता है। नाई कर रही है कुछ एक्टिंग। नाई क्या कर रहा हो बेटा? ये क्या होता है? तो मैंने वीडियो में देखी। व्हाट इज दिस? क्या कर रहे हो ये? व्हाट आर यू डूइंग नाया? लाइव थोड़ा सा डांस दिखा दो बाबू। ब्लिंची आजा, ब्लिंची आजा। मैनू पैसा ना चाहिए, मैनू प्यार चाहिए, माही सोना तू। नायू से मैंने कहा नायू बेटा बाल बांध ले। नायू कहती है आपने पिछली बार खोले थे इसलिए मैं इस बार खोल रही हूँ बाल। और ये ठीक सही में गाइस, ये लड़की इतनी प्यारी और इतनी क्यूट है ना कि कुछ भी इस पे पहना दो, बस ये इसको ना सिर्फ सुंदर ही लगना है, क्योंकि इतनी प्यारी सी लड़की है ना।